रूस पर फोकस कर कहीं गलत दुश्मन पर फोकस तो नहीं कर रहा है अमेरिका? रूस के मसले में उलझे सुपर पावर की गद्दी कहीं ड्रैगन छीनने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? दरअसल ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जानकार मानते हैं कि बरसों से रूस में उलझा अमेरिका अपने गलत दुश्मन पर फोकस कर रहा है। अमेरिका का असली निशाना रूस नहीं बल्कि चीन होना चाहिए था। एक्सपर्ट्स की माने तो चीन न सिर्फ ज्यादा शक्तिशाली है, बल्कि वो वास्तव में अमेरिका को ग्लोबल पावर से हटाकर खुद को स्थापित करना चाहता है। हाल के समय में चीन ने अमेरिका को व्यापार, सैन्य और कूटनीतिक मोर्चों पर कई जगह करारी शिकस्त दी है। इतना ही नहीं, बीते कुछ समय में ड्रैगन ने जिस रफ्तार से अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा किया है, उससे भी अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट बताती है कि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। इसके अलावा कूटनीतिक क्षेत्र में भी श्रीलंका और नेपाल से चीन ने अमेरिका को पूरी तरह से बाहर कर दिया है। हालांकि अधिकांश लोकतांत्रिक देश भी यही चाहेंगे कि अमेरिका ही वैश्विक महाशक्ति बना रहे, क्योंकि चीन की नीतियां दुनिया में कोई खास पसंद नहीं की जाती हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी अपने कद को सबसे बड़ा बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन इन सब के बाद भी अमेरिका के हाथों कोई खास सफलता लगती नजर नहीं आ रही है। नतीजतन बीते कुछ सालों में वैश्विक स्तर पर अमेरिका की साख में लगातार गिरावट आ रही है। चाहे वो अफगानिस्तान हो या फिर ईरान, हर जगह अमेरिका के हाथों शिकस्त ही लगी है। मौजूदा समय की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस को सबसे बड़ा दुश्मन मानकर विदेश नीति को चला रहे हैं, जबकि अमेरिका को वास्तविक चुनौती चीन दे रहा है। जनसंख्या के लिहाज से भी रूस की तुलना में चीन की जनसंख्या 10 गुना ज्यादा है। आर्थिक क्षेत्र में भी चीन की अर्थव्यवस्था रूस के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा है। चीन का सैन्य खर्च भी रूस की अपेक्षा करीब 4 गुना अधिक है। ऐसे में ये तो साफ है कि दुनिया में अमेरिका को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है चीन। रूस अपनी सीमाओं के पास यूक्रेन के जरिए सैन्य निर्माण में जुटी नाटो को भगाने के लिए सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है। इसमें रूस की स्थिति खुद को सुरक्षित करने की है, जबकि चीन विस्तारवाद की महत्वाकांक्षा से ग्रस्त है। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।